अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस शासकीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में अभी हम सब लोगों ने जिसको सुना बहुत ही विद्यार्थी परिषद को किस दिशा में काम करना चाहिए उसकी स्थापना से लेकर अब तक पूरा विषय उन्होंने हम सबके सामने रखा। राष्ट्रीय महामंत्री श्री यादव शुक्ल जी, प्रांत अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ममता सिंह जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष लोकपुरी विधायक रुद्रपुर के अग्नि सिंह अरोड़ा जी, प्रांत मंत्री डॉक्टर कंडारी जी, हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हरीश मुंजाल जी और वसुंधरा द्वीप समूह के अध्यक्ष श्री उद्धव अग्निजा जी, आज के स्वागत समिति के महामंत्री, सामने हमारे बैठे हुए जिन्होंने लंबा कालखंड विद्यार्थी परिषद में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने हम सब के बीच में लगाया, सुरेश भट्ट जी, आदरणीय रमेश दहिया जी, हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जोशी जी, हमारे कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश दहिया जी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री विकास शर्मा जी, जिलाध्यक्ष रुद्रपुर श्री कमल जिंदल जी, जिलाध्यक्ष काशीपुर श्री गुंजन सुखिया जी, हमारे अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई समीर आर्या जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री शशांक रावत जी एवं यहां पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए अतिथिगण। उत्तम दा अपने नाम की श्रृंखला में जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, सब लोग जानते हैं कि मैं लगभग लगभग सबको जानता हूं, क्योंकि ये व्यवस्था है और वैसे भी हमारा ये कार्यक्रम लगभग लगभग आधा घंटा लेट चल रहा है, थोड़ा मुझे आने में विलंब हो गया क्योंकि पहले यहां आ रहा था, यहां मैं आकर वहां आ गया। तो इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त ये बहुत शानदार आज अधिवेशन यहां पर हो रहा है, ऐसे पूरे प्रांत से आए हुए हमारे सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, और इस कार्यक्रम को लगातार दिशा देने का काम विद्यार्थी परिषद को उत्तराखंड के अंदर दिशा देने का काम करने वाले हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री मनोज मित्रा जी, प्रदेश संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत जी, राष्ट्रीय मंत्री मीणा जी, हमारे उत्तराखंड के सह संगठन मंत्री विक्रम जी एवं सभी पदाधिकारी, सभी हमारे इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हुए सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार हो गए। मैं सबसे पहले तो पूरे उत्तराखंड प्रांत से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का, युवा तरुणाई का, युवा शक्ति का, छात्र शक्ति का, सबका मैं औद्योगिक नगरी रुद्रपुर आने पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अपनी तरफ से करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को भगवान बद्री विशाल से केदार से प्रार्थना करता हूं कि जो अभी हमारा कैलेंडर का कैलेंडरी वर्ष जिसको हम 2023 कहते हैं जो प्रारंभ हुआ है, उस 2023 की आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं।
आज आप सब लोग, जैसा कि राष्ट्रीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा ग्रहण करते हुए देश की सेवा के लिए आप सभी का समर्पण और विद्यार्थी परिषद का जो एक इतिहास रहा है, सातवां इतिहास 9 जुलाई 1949 से लेकर अब तक का, 73 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक गौरवशाली इतिहास रहा है, प्रेरणादायी इतिहास रहा है। और इस कार्यक्रम में मैं यहां पहुंचा हूं तो मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन के दिन स्मरण हो रहे हैं, उनकी स्मृति फिर से ताजा हो रही है कि वास्तव में हम लोगों ने एक लंबा कालखंड, आप सभी की तरह आप सब लोग यहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में बड़े उत्साह से और बड़ी उमंग से प्रदेश के कोने कोने से यहां पहुंचे हैं। आपकी तरह ही मैं भी अपने विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। भाइयों बहनों, एक विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का काम करता है। लेकिन उससे पहले हम जब भी, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में ऐसा होता है कि कार्यकर्ता के रूप में लंबा कालखंड कम लोगों को मिल पाता है, कम लोग जो लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे हमारे यहां पर भंडारी जी कर रहे हैं, या तोलक जी कर रहे हैं, हमारे रमेश जी करते थे, या हमने भी थोड़ा इनसे कम, ये तो बहुत ही साल रहे और हम लोग थोड़े कम सालों तक जो पूर्णकालिक के रूप में सुरेश जी ने लंबे समय तक काम किया, अब ममता दीदी लंबे समय तक काम करेंगी, क्योंकि एक यही संगठन ऐसा संगठन है जिसमें विद्यार्थी और छात्र दोनों मिलकर, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई दूसरा ऐसा संगठन नहीं है जिसमें विद्यार्थी और छात्र दोनों एक साथ काम करें, एक ही कैंपस के अंदर छात्रों और विद्यार्थियों के बीच में लगातार समन्वय करने का काम कोई संगठन करता है तो विद्यार्थी परिषद करता है। शिक्षा के मंदिरों से लेकर देश की सीमाओं तक आज परिषद के कार्यकर्ता विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद भी एक ऐसा संगठन है जो हमारे अंदर एक भाव जगाता है कि राष्ट्र प्रथम संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। यह सिद्धांत और यह मूल उद्देश्य लेकर विद्यार्थी परिषद देश के अंदर काम कर रहा है और उसी के कारण समाज के संकट हों या देश के अंदर होने वाली समय समय पर चुनौतियां हों, जिसके बारे में अभी प्रदेश मंत्री जी ने बहुत विस्तार से कहा, रामनगर, काशीपुर, रुद्रपुर, ऐसे अनेकों स्थान है। जब कोरोना महामारी के समय में लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, ऐसे समय में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वह संस्कार जो परिषद की पाठशाला में हम सबको मिलता है उसके कारण से लोगों को बचाने का काम किया, लोगों के अंतिम संस्कार में भाग लेने का काम किया, उनका संस्कार करने का काम किया, तमाम प्रकार की सहायताएं अपने स्तर से कम संसाधनों पर भी उपलब्ध कराने का काम किसी ने किया तो हमारे परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन प्रदान करने में परिषद की हमारी हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अपने स्थापना काल से ही देश हित में होने वाले जितने भी बदलाव हुए हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उसमें विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर समय समय पर अनेकों संघर्ष किए हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं के विरुद्ध राष्ट्रवाद का आलोक लगाने का काम, कुछ कैंपसों में लोग कहते थे कि अब जब हम शर्मिंदा हैं तुम्हारे कातिल अभी जिंदा हैं, वही विद्यार्थी परिषद ने भारत माता की जय जयकार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और धारा 370 जैसे मुद्दे जिनके बारे में हम सब लोग नारा लगाते थे, आज ये
की अनुभूति होती है कि जब हम आप सब की तरह विद्यार्थी कालखंड में काम करते थे तो उस समय हम नारा लगाते थे कि एक देश के अंदर एक देश दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। भाइयों बहनों लंबा कालखंड बीत गया, तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें चली गई। अगर यह धारा 370 जिसके कारण से देश के अंदर कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीर को भारत जैसी व्यवस्था बनाने के लिए, भारत का अभिन्न अंग कश्मीर रहे, उसके लिए 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन किसी के अंदर इतना साहस नहीं हुआ कि कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हो। और कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त करने का काम एक देश के अंदर एक विधान एक प्रधान और एक निशान बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर समझा रहे हैं। इसी प्रकार से हम विद्यार्थी परिषद में नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लगाते थे कि नहीं लगाते थे? क्यों तुम दावत लगाते थे? नए हमारे जो आए हैं भाई बहन यह लोग भी सुनते होंगे जब छोटे होंगे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड गिर गया, बहुत सरकारें आई चली गई, लेकिन जहां राम लला पैदा हुए मैं भी अयोध्या गया एक बार। मैं 1999 में विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और उस अधिवेशन की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि जितने भी लोग आएंगे उनको लिए बसों की व्यवस्था करनी और उन सबको अयोध्या का भ्रमण करवाना, अयोध्या जाने वाले अयोध्या अधिकांश लोग अयोध्या गए। उस समय मनोज मिश्रा जी आए थे वहां से झांसी से, कौन बोला झांसी से रमेश जी तो आए थे, आप भी गए थे उसमें। हम लोग भी वहां विद्यार्थी परिषद के दायित्व के नाते जब मैं गया वहां तो मैंने देखा कि और जो भी उस समय गया होगा उसने देखा होगा कि भगवान रामलला टेंट के ऊपर टेंट लगा हुआ है और उनके रामलला विराजमान है। मन में जिस प्रकार का उत्साह होना चाहिए, एक ऊर्जा वहां से आनी चाहिए, ऊर्जा तो जरूर आती है क्योंकि भगवान रामलला का आप दर्शन करेंगे कभी भी उनका नाम लेंगे किसी संकट में होंगे और आपके मुंह से अगर हे राम 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 इस प्रकार का उच्चारण हो जाए तो आप कितने भी कष्टों में क्यों ना हो, कितने भी संकटों में क्यों ना हो, आपको उन संकटों से मुक्ति मिलेगी, आपको परेशानी में आराम महसूस होगा, राहत महसूस होगा। तो मैं आया तो मन बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, एक शब्द है स्थित प्रज्ञ जिसमें ना आगे भी नहीं दिखाई देता पीछे भी नहीं दिखाई देता, बहुत सोच को मन पड़ गया। भाइयों बहनों वह दिन था, उसके बाद मुझे 2021 में अब की बार फिर से मुझे अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं किसी कार्यक्रम में अयोध्या गया और अब की बार मैंने कहा कि सबसे पहले मैं इस बार दर्शन करने ही जाऊंगा। मैंने वहां बहुत सारे कार्यक्रम थे, मुझे कारसेवकपुरम भी जाना था, आप लोग गए हो यहां हमारे चंपत राय जी आजकल सारी व्यवस्था देखते हैं, तो मैं सबसे पहले भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए गया और मैंने देखा कि क्या रास्ता बन गया है, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े लिंगम लगे हुए हैं जो भगवान राम के समय में नल नील लंगर जामुई राम सेतु का निर्माण कर रहे थे और बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, एक से एक देश की कंपनियां लगी हुई हैं और वहां पर भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है भगवान रामलला का। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार देश के अंदर युवा तरुणाई को काम मिले, हर हाथ को काम मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर कौशल विकास विभाग पहली बार बनाया। देश के अंदर नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए इस वर्ष, इस पूरे वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम का लक्ष्य दिया गया है, उसमें तेजी से काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस काम को लेकर हमारे कैंपसों के अंदर, परिसरों के अंदर, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में लगातार विद्यार्थी परिषद जिन कामों के लिए लगातार संघर्ष करती है, हम सब उसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां होनी चाहिए, भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो योग्य हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सबको सेवा में आने का अवसर मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि परिषद में लंबे कालखंड तक रहने के बाद एक विद्यार्थी के रूप में छात्रावास से लेकर विद्यार्थी जीवन में जितने कालखंड रहे हैं, उन सबका अगर मैं स्मरण करूं तो मुझे लगता है कि एक गरीब माता पिता के बेटे के पास, बेटी के पास अगर सबसे बड़ा कोई धन होता है, सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, तो पूंजी उसकी शिक्षा होती है। और हमारे प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने पहले, 4 महीने, 5 महीने पहले, लगातार पिछले कई सालों से भर्तियों में घपले, घोटाले, पेपर लीक होना, पेपर फिक्स्ड होना, पूरा का पूरा पेन ड्राइव से पेपर आ जाना, इस प्रकार की घटनाएं होती रही। और ये काम 15-16 से, 2015-16 से लगातार चल रहा था। इस बार भी हमारे सामने आया, तो मैंने सोचा कि हर बार कोई ना कोई बात उठती है, जब तक इसमें सच्चाई नहीं हो तब तक इसकी जांच करवाना थोड़ा कठिन होता है। क्या अनावश्यक रूप से जांच शुरू करवाते हैं और उसके बाद कुछ ना निकले? तो पहले हमने इसकी प्रारंभिक जांच करवाई, और जब प्रारंभिक जांच करवाई, प्रारंभिक जांच में निकला कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। भाई बहनों, मैंने तय किया कि मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा, और तमाम प्रकार की कठिनाइयां भी थी। मैं ये बात आप सबके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रदेश की पूरी तरुणाइयां, आप सब पूरी तरुणाई की सबका प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भाई बहन है, जो सजग और जागृत होकर समाज में तमाम चीजों को ले जाने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसमें कठिनाई की थी कई बार, लेकिन हमने कहा कि सच क्या है, सच को सामने लाने के लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, कोई भी परेशानी क्यों ना सहनी पड़े, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। और मैं तय किया कि इसकी जांच करवाई, और जांच का परिणाम हुआ कि 55 लोग इसमें जेल रह गए, जेल की सलाखों की। और इतना ही नहीं, इस घटना के बाद प्रदेश के अंदर अब कभी भी निकट भविष्य में कोई इस प्रकार की नकल करवाना, पेपर आउट करवाना, पेन ड्राइव पर पूरा पर्चा देना, इसके बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। निकट भविष्य में करना तो दूर की बात है, सोचना भी बहुत कठिन होगा। एक नजीर हमने पेश कर दी है कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। एक गरीब माता पिता का बेटा जो योग्य होगा, जिसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी, परीक्षाओं को ठीक से पास करेगा, उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर,
बिना किसी गड़बड़ी बिना किसी घोटाले के वो नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगा। ऐसे अनेकों कार्य अभी इसके साथ साथ, क्योंकि आप सब लोग ऐसे कालखंड में हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जहां हम अनुशासन सीखेंगे, देश के लिए काम करना सीखेंगे, समाज के लिए अपना योगदान देना सीखेंगे, समाज को हम सर्वस्व अपना दें, यह सिखाने की पाठशाला भी दूसरी नहीं है, यह अगर पाठशाला है तो हमारी विद्यार्थी परिषद है। इसके बाद लेकिन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आपको जाना है, आपने बहुत सारे मुकाम को हासिल करना है, अपने अपने स्थानों पर जाकर देश और समाज के लिए योगदान देने का काम आप सभी लोगों ने करना है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि लगभग 20,000 जो नियुक्तियां हमारी अभी रिक्त हैं सरकारी नौकरियां, उन सबको भर्ती की प्रक्रिया में लाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। जल्दी ही सारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जो उस समय में 7,000 भर्ती जो तत्काल अधीन सेवा चयन आयोग से जो होनी थी उसमें एक दिन का भी हमने विलंब नहीं किया, एक दिन का विलंब किए बिना हमने सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया जो अधीन सेवा चयन आयोग से होनी थी वहां गड़बड़ियां हो गई, तो हमने सारी औपचारिकताओं को एज इट इज रखते हुए वो सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग से करवाने का निर्णय लिया। और इतना ही नहीं, सितंबर माह में हमने निर्णय लिया, अक्टूबर माह में सबके कैलेंडर भी निकल गए, सारे भर्तियों के विज्ञापन निकल गए, कैलेंडर निकल गए और भर्ती प्रक्रिया अब संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज भाइयों बहनों, हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और उसके लिए हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, सरकार के स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में तभी शामिल हो पाएगा जब उत्तराखंड के हमारे नौजवान, हमारे तरुणाई सभी लोग मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में जागृत होकर अपना उत्कृष्ट देने का काम करेंगे, अपना अच्छा देने का काम करेंगे। मैं ऊर्जा से भर जाता हूं जब आप सब नौजवानों और युवाओं के बीच में आता हूं। आज एक बार बड़ी कठिनाई हो गई थी कि मौसम खराब हो गया, मुझे लगा कि मैं शायद पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, और मैं यह भी चाहता था कि चूंकि विद्यार्थी परिषद ने एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है, उसके नाते मुझे लगता था कि 3 बजे का अगर समय दिया है तो 3 बजे ही मुझे पहुंचना चाहिए, तो मैं लगभग 1 घंटे का, अभी श्री अरोड़ा जी कह रहे थे मुझसे कि आप जो है इतना मार्जिन लेके चल रहे थे, एक बार हमारा हम यहीं तक पहुंचे, पंतनगर के ऊपर तक थोड़ा आगे तक आते, लेकिन उसके बाद यहां मैं दिखाई नहीं दे रहा था, फिर लौटकर यहां से हल्द्वानी गए, हल्द्वानी से क्योंकि 1 घंटे का हम लोग मार्जिन लेकर चल रहे थे और 1 घंटे का अगर मार्जिन न लिया होता तो मुझे बड़ा दुख होता कि मैं आप सबके बीच में नहीं पहुंच पाता, लेकिन भाइयों बहनों ईश्वर की कृपा से और आप सबके बीच में जो ऊर्जा ताकत प्राप्त होती है वो ऊर्जा शायद ब्रह्मांड में गई होगी और ब्रह्मांड से वो ऊर्जा वापस नीचे आई होगी और सूर्य भगवान ने थोड़ा रास्ता दिखा दिया और आप सबके बीच में पहुंचा। और हम सब लोग चूंकि विद्यार्थी परिषद में क्रीड़ा स्रोत के रूप में शुरू से ही स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है जो हमारे जो मनुष्य है वो मनुष्य अनंत ऊर्जा अनंत शक्ति का भंडार है, वो जो करना चाहे जिस दिशा में जाना चाहे वो हर दिशा में जा सकता है, उसके लिए कोई सीमा उसकी नहीं, बस केवल और केवल स्वयं को जानने की आवश्यकता है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। और मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो विद्यार्थी जीवन है ये कालखंड है, ये शिक्षा प्राप्त करने का जो समय है ये समय आपके जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आने वाला है, यह कालखंड कभी नहीं आने वाला है। अगर कोई चीज
सबसे बहुमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है तो समय है। और ये जैसे आपका दिन है आज कितनी 4 तारीख है, 4 तारीख और ठीक 5 बज रहा है। ये हमारे किसी के भी जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा, इसलिए एक एक पल का एक एक क्षण का कैसे उपयोग करना है ये हमारे सबके अपने अंदर है। और कोई भी व्यक्ति है, चाहे हमारे राष्ट्र महामंत्री भी यहां बैठे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उन सबके पास 24 घंटे का ही समय है, सबके पास बराबर समय है। इसलिए एक एक क्षण और एक एक पल राष्ट्र को समर्पित करना है, अपने आप को समर्पित करना है, समाज को समर्पित करना है। उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने उनको जीवन में कैसे जीना है, कैसे समाज के साथ समन्वय बनना है, यह सब सीखने की पाठशाला है। और अभी अभी देखिए हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मातृशोक हो गया और मैं भी उस दिन कलकत्ता में था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक, गंगा काउंसिल की बैठक वहां हमारी कलकत्ता में होने वाली है और प्रधानमंत्री जी को उस बैठक की अध्यक्षता करनी थी। भाई बहनों, प्रातःकाल 5 बजे मोबाइल पर मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हो गया है, तो संभवतः कुछ मित्रों ने मैसेज भेजा था कि अब आपकी बैठक नहीं हो पाएगी। तो मन में थोड़ा सा हुआ कि अब बैठक होगी नहीं होगी, हम लोग क्या करें, यहां से उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जाना होगा, जाएंगे वहां। तो 8 बजे जैसे ही फोन किया गया तो पता चला कि प्रधानमंत्री जी तो सवेरे 6 बजे उठ के 8 बजे अहमदाबाद पहुंच गए हैं। और हमने कहा कि बैठक होगी, उन्होंने कहा आपकी बैठक बिल्कुल तय समय पर होगी और किसी को भी अहमदाबाद नहीं आना है। और देखिए कि प्रधानमंत्री जी का 10:30 बजे उनके सारे जो संस्कार होते हैं वो संस्कार पूरे हुए और 11:15 बजे वो वर्चुअल माध्यम से हम सब लोगों से बैठक में जुड़ गए। भाई बहन, इससे बढ़िया, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो माँ का साया होता है वो आसमान सरीखा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से हम सबको प्रेरणा भी लेनी थी कि किस प्रकार से एक तरफ पुत्र धर्म और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म दोनों को एक साथ, कोई वहां पर लोग ना आए, एक प्रधानमंत्री होकर सामान्य से एम्बुलेंस में बैठकर जाते, सामान्य के लिए काम करते हैं उसी, और कोई परेशान ना हो इसलिए 6 बजे चलकर ही 8 बजे वहां पहुंचकर 10:30 बजे तक सारे संस्कार संपन्न कर देते। ये सब हम लोगों के लिए भाइयों बहनों और व्यक्तिगत रूप से भी जब कभी भी हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले हैं तो एक एक पल और एक एक क्षण का कैसे उपयोग करना है वो उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे याद है कि जब हम परिषद में काम करते थे तो छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति का नारा लगाया करते थे मेरे युवा साथी, मेरे भाई बहनों। अब समय आ गया है कि आज जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का के निर्माण के लिए जो आज एक नया भारत बनने का काम शुरू किया है, एक ऐसा भारत जो दुनिया का नेतृत्व करे, जो दुनिया को दिशा देने का काम करे। एक समय वह भी था जब भारत की पहचान तब्बू भारत के रूप में, पिछड़ब्बू भारत के रूप में और वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी ठीक से न कह पाने वाले भारत के रूप में स्थापित हो गई थी। आज का भारत अपनी बात दमदारी से करता है, आज का भारत अपने हितों के फैसले भी अपने पक्ष में करवाता है। आज का भारत जो हमारी संस्कृति रही है योग, उस योग को
संपूर्ण दुनिया के अंदर योग दिवस के रूप में मनवाने का काम भी करता है, योग को दुनिया के अंदर ले जाने का भी काम करता है। आपका भारत, आपका भारत G20 की अध्यक्षता भी करता है आने वाले समय में। हम सब लोग जो हमारे सामने लोकल टू ग्लोबल पूरे भारत को दुनिया के अंदर ले जाने का अवसर है, उसमें भी हमारी युवा प्रणाली अपना योगदान देगी। और उत्तराखंड के अंदर भी हमारा प्रांत भले ही जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो, लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर भी G20 की दो दो बैठकें उत्तराखंड को दो दो कार्यक्रम देंगे। भाई बहनों, आज का भारत हम 1962 से लेकर अब तक लगातार हम सोचते थे, क्योंकि हमको विरासत में एक विरासत मिली थी जिसके बारे में अभी राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही कि हमारे मन में हमेशा संदेह होता था कि अगर पाकिस्तान से कभी युद्ध होगा तो हम पूरे विश्वास में रहते थे कि भारत ही जीतेगा, हमारी सेना ही जीतेगी। आतंकवादियों से, अलगाववादियों से, जिहादियों से कभी संघर्ष होगा तो हमारी सेना मजबूती से उन पर पार पाने का काम करेगी, उनको नेस्तनाबूत करेगी। लेकिन चीन का नाम आता था तो हमारे मन में थोड़ा संदेह हो जाता था। संदेह इसलिए नहीं होता था कि हमारी सेना शक्तिशाली नहीं है, भारत की सेना दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक रही है, शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है भारत की सेना का। लेकिन विरासत अगर ठीक न मिली हो तो उसके कारण से संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन भाई बहनों, आज गलवान की घटना हो, टोंक की घटना हो या पुलवामा का अटैक हो, सारे अटैकों के बाद जिस प्रकार से भारत की सेना ने गोलियों का जवाब गोलों से देने का काम करा है, बॉर्डर के इस पार भी बॉर्डर के उस पार जाकर दुश्मनों को, आतंकवादियों को, जहाजियों को, देश पर आक्रमण करने वालों का खात्मा करने का काम किया है, देश के लिए एक नया इतिहास शुरू हो गया, देश का एक नया कालखंड शुरू हो गया। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए और यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय की सेवा की जो जिम्मेदारी जो मुझे मुख्य सेवक के रूप में मिली है, हम सब लोग मिलकर आप सबके सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं, उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के आशीर्वाद से पूरी ऊर्जा के साथ रात दिन काम करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो उसके लेकर हम लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे। और एक यात्रा जो उत्तराखंड की यात्रा है, सबकी हमारी सामूहिक यात्रा 1,25,00,000 भाई बहनों की यात्रा, इस यात्रा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, गंतव्य तक पहुंचाएंगे। और मैं एक बार पुनः परिषद के इस 23वें भारतीय अधिवेशन की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देते हुए और एक परिषद के पुराने कार्यकर्ता की तरह बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आपके गौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है, आपके गौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है। पर सदा हमने चुना वो विश्व का जिसमें भला है। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय।